वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित मुस्लिम का प्रतिवाद सम्मान समारोह आयोजित किया। उनके सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करने से उनकी हौसला अफजाई होती है, उनके हौसले बुलंद होते हैं, ताकि वो जो मुकाम चाहते हैं अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करने के लिए सभी कौम के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम सबको बुलाकर जो मान सम्मान बख्शा है उसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह होते रहने चाहिए, ताकि हम इन कौम की प्रतिभाओं का सम्मान कर सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक बार पुनः इस वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, चाहे आरिफ भाई हो चाहे आज भाई हो, सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा प्रतिभा सम्मान समारोह और बढ़ाओ और लोगों को जोड़ पाएँ, ऐसे प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। मैं मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर जिला एसोसिएशन का 200 मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह अजमेर जवाहर रंगमंच में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर जो हमने क्राइटेरिया रखा था कि 10th और 12th के अंदर 80% अबाउ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 70%, और इसमें हमने सर्विसेज वाले जिनकी नहीं सर्विस लगी उनको, नीट परीक्षा वालों को, और तमाम ऐसी जिन लोगों ने कोरोना में भी काम किया ऐसे लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं को, लगभग 300 प्रतिभाओं को आज यहाँ पे हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं वो जनाब रायसन वक्फ विकास परिषद की हमारे रायसन सरकार के सदस्य हैं इरफान चौधरी साहब, और अध्यक्षता कार्यक्रम भी कर रहे हैं हमारे हाजी कहीम साहब, हमारे विशेष अतिथि के रूप के अंदर नसीम अख्तर साहिबा, अंजुमन के सरोज चिश्ती साहब, गुलाम किजिया साहब, जो DRP के हमारे खानुमा साहब, तारागढ़ के पंचायत के सदर, डी मैनेजमेंट कमेटी के सदर मोहसिन सुल्तानी साहब, और तमाम जितने भी हैं इमरान साहब जो डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों के हाथों ये आज हमारे यहाँ पे पारितोषिक वितरण हुआ है। और माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे हुए और 300 प्रतिभाओं को आज हमने यहाँ सम्मान किया है। आरिफ हुसैन एसोसिएशन सदस्य,